पौधा नीचे मिट्टी में से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ज्यादा उठाएगा। और राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रेंच विद खेती चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं खतौली शुगर मिल में, जो कि इन्होंने एक किसान गोष्ठी रखी हुई है फार्म हाउस में। तो यहाँ पर तरह तरह के कृषि यंत्रों का प्रदर्शनी भी लगाई हुई है। ये वाटर ट्रैक्टर है, इसी के साइज की ये ट्रॉली बनवाई हुई है। और यहाँ पर रखे हुए हैं ये मित्तल इंजीनियरिंग वर्क्स वालों के कृषि यंत्र। ये रेजर है, रेजर विद डिस्क, जो कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें रेजर भी आ गया और डिस्क भी आ गई। ये यहाँ पे है RMD रेटून मैनेजर डिवाइस, 62,000 इसकी कीमत है, 62 है ना। और इसमें आगे डिस्क है, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो ये वाला ब्लेड है और एक आता है बोरोन स्टील में, वो भी मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा कॉस्ट फालतू पड़ेगी, लगभग 5,000 का अंतर आएगा। और ये है आपका 4 डिस्क की हैरो, इनकी वीडियो तो आपने चैनल पे देखी होगी। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया और ये जो यहाँ से इसको टेपर में लिया है, जिससे ये ट्रैक्टर के पीछे पीछे है, गन्ना तोड़ता नहीं है। जो हमारे वाली हैरो थी वो थोड़ा सा ट्रैक्टर से बाहर है, लगभग 3 इंच। और एक ये है रेजर टाइप हैरो, रेजर टाइप मिट्टी चढ़ाने का। ये इसमें नीचे ब्लेड लगा हुआ है, ये मिट्टी बहुत आसानी से खोद देता है। और ये इसमें पीछे ये पंखे लगे हुए हैं, ये वाले जी, जो कि जैसे इसने मिट्टी चढ़ाई और वो मिट्टी नीचे वो रुड़कती है, मिट्टी को रुड़कने नहीं देता, प्रेस कर देता है और गन्ने के पास तक धकेल देता है अच्छे से। तो इसका ये फायदा है। और क्या क्या आइटम है? 5-10 टिलर है, खाद डालने वाला एक में। अच्छा, और 4 फुटी रोटरी है अपनी और 7 फुटी रोटरी है। अच्छा, वो और ये उतारे क्यों नहीं है जी? उतारे क्यों नहीं है जी? थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इस बार नहीं उतारे हैं। अच्छा, जगह ज्यादा ले रहते हैं तो मना कर दिया है। अच्छा अच्छा, तो यहीं पे प्रदर्शनी लगा दी इसकी। इसकी कीमत है 30,000, 510 विद कल्टीवेटर। इसका ये है, जैसे आपका खूड़ एक यहाँ पे है ट्रेंच विधि में और एक खूड़ उधर है, तो ये दोनों टाइन साइड वाली खाद डाल देगी और पीछे ये जो सिस्टम लगा हुआ है इसमें, ये इसको मिट्टी में ढक देगा खाद को। इसमें आप जुताई भी कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र मतलब उसमें टैंक में खाद मत डालो तो ये आपकी जुताई भी कर देता है। और मिट्टी चढ़ाने के समय जुताई की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप रेजर से मिट्टी चढ़ाते हैं तो जुताई भी हो जाएगी, खाद भी डल जाएगा, फिर आप सीधा रेजर से मिट्टी चढ़ा दो। ये रेजर है, वो अंदर इसका नीचे की बॉडी रखी हुई है। बताओ यहाँ पर स्टोर लगे हुए हैं अलग अलग कंपनी के, तो कहीं कहीं पे हरे रंग की फफूंदी जमेगी और कहीं पे सफेद रंग की। जो हरे रंग की जमा हो रहा होगा वो बावेरिया है, और जहाँ सफेद रंग की जम रही होगी वो मेटाहाइजियम है। बावेरिया जो है काम करेगी व्हाइट ग्रब के ऊपर, उसका पूरा बहुत मोटा होता है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है मास्टर ड्रीम नाम की एक बीमारी पैदा करता है। कितना इनाम मिला है और उसके अंदर से हाइड्रोलिसिस होने लगती है उसकी वजह के अंदर से, और सारी की सारी उसका पानी बाहर निकलने लगता है। जब पानी बाहर निकलने लगा तो भूखा मरता है वो कीड़ा, यदि वो पूरे का मुंह पे भी अटैक कर देगी, पूरा का पूरा छाप देगी। यदि आपके खेत के अंदर दीमक है तो उसी की दूसरी जो फफूंदी है वो दीमक और ये भी एक वैरायटी है जिसमें शायद टॉप बोरर लगा है। ये देखो, ये टॉप बोरर का निशान है। टॉप बोरर लगने से इसकी हाइट कम रह गई। ठीक उसी तरीके से पिछले साल के कंपटीशन में इस वर्ष और जल्दी गर्मी शुरू हो गई। मुझे याद है पिछले साल 15-16 मार्च होली के बाद गर्मी शुरू हुई थी, अब फरवरी में शुरू। मेरा नाम सचिन है, मैं आपसे छोटा प्रश्न है।
20 वर्ष मैंने गन्ने की पत्ती अपने खेत में जोती है जो पेटी काटी है, तो मुझे तो होता चला उसमें थोड़ा उसका लाभ और बता दो, मैं अभी आया है जी, अभी अभी पहुँचा हूँ थोड़ी देर पहले, तो उसका मुझे ये लाभ बताओ, एक तो मिट्टी भुरभुरी हुई बहुत ज़्यादा और उससे कितने न्यूट्रिएंट मिले हैं। देखिए ये पहले रिकमेंडेशन दी जाती थी पत्ती फूंकने की, अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो इस बारे में हम आपको नहीं कहेंगे कि आप पत्ती फूंकें, बल्कि हम तो कहेंगे उसी को रिसाइकल। पहले क्यों देते जी, पहले क्यों देते, पहले राय क्यों देते, फूंकने की पत्ती को राय देते पहले क्यों देते। देखिए क्या कह रही है, पत्ती फूकने के लिए अरे गवर्नमेंट को छोटा क्या कह रही है, गन्ने को लाभ है नहीं है, जब आप पहले कहोते पहले कहोते फूकने को, अभी फूकवा दे पत्ती क्या हो गया, आप ना कहो गन्ना उपायुक्त भी है और जिला गन्ना अधिकारी का भी चार्ज उन्हीं के पास है, और आपको बताएं इनके विषय में कि आप पहले यहाँ भी रहे हैं, आपका गन्ना विकास से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नाम है और गन्ने के डेवलपमेंट में ही ज्यादा है आपकी रुचि भी रहती है क्योंकि किसान से जुड़े हुए भी हैं और सब चीजें वैज्ञानिक तरीके की बातें भी और विभाग की बातें भी आपको कराया, जिसके रिजल्ट वो फैक्ट्रिया ले रही है, हाईएस्ट रिकवरी है पूरे बिजनौर की, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का उपज में भी बहुत ऊपर है हमसे। दूसरे हमारे डॉक्टर साहब हैं देश जी जो गन्ने के वैज्ञानिक हैं, और हमारे पास बीच में वीरेश जी, मैं नाम गलत बोल गया, अवधेश डागर जी, वीरेश जी तो ट्रायल हो गए, तो आपको बहुत अच्छी जानकारियां दी हमारे, और इस पौधे की माँ स्वस्थ नहीं होगी तो हम कुछ लगाएं, जैसे कि बीमार है उसको कुछ खिलाए कुछ नहीं लगता, तो हमारा भी यही है कि खाद उसे कोई दे कुछ दे वो उसको ले नहीं पाती, जब बीमार होता है आदमी उसको चाहते भी नहीं ले पाता, तो मिट्टी सबसे पहली जरूरत है कि मिट्टी ठीक हो, और मिट्टी के ठीका पैमाना क्या है, वो है हमारा उसका ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें कार्बन तत्व होता है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। अब किसानों की दुविधा ये आती है कि भाई छोटी सी तो वो है उसे कैसे खाली रखें, हम खाली नहीं रखवा रहे उसे बिल्कुल भी, और आपको बताएंगे कि उसकी उर्वरा शक्ति भी कैसे बढ़े, हम कह रहे हैं जो 2 फीट पे आप गन्ना लगाते हो 2.25 फीट पे, आप उसको 5 फीट पे लगाओ 5 फीट पे, अब जब वो 5 फीट पे लगेगा तो जो पहले जमीन में आपने बोया हुआ तो जमीन खाली रह जाएगी बीज की, और आपके गन्ने मैं कहता था 1.25 लाख गन्ने होते हैं हेक्टेयर में, सपोज 1,20,000, और एक गन्ना होता है 750 ग्राम का, तो आपकी पैदावार आती है 850 क्विंटल, मतलब सारे में बोके 1.25 लाख गन्ने होने के बाद, मैं कहता हूँ 1.25 लाख गन्ने मत करो, गन्ने करो 50,000 मात्र 50,000 1.25 लाख की जगह दे दे, और गन्ना करो 2.25 किलो का, 3 किलो वाली बात भी नहीं कर रहा जो अव्यवहारिक है, हालांकि 3 किलो 3.25 किलो बहुत नापते हैं गन्ने, पर मैं कहता हूँ व्यवहारिकता भी आ जाए, जब गन्ने 1.25 लाख की जगह 50,000 करेंगे उनको दूरी मिलेगी और खास 1.25 लाख का देंगे, मतलब आप ये समझ लो कि आपके 5 किलो दूध आता है, पहले 5 बच्चे थे 1-1 किलो आता था, अब मैं कह रहा हूँ बच्चे 2 हो गए 5 किलो दूध हो रहा तो वो उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो ऐसे ही गन्ने 50,000 रहेंगे 1.25 लाख की जगह दूरी बढ़ने के बाद, जो आपका वो होता है भ्रम होता है कि भाई ये कम हो जाएगा, तो गन्ने 2 किलो का हो गया, तो 50 × 2.25 वो हो गया 1,250 क्विंटल, और पहले क्या था 1,20,000 × 750 = 800 क्विंटल। नंबर 2 बात हो जाएगी, नंबर 3 बात, अब पानी आप उस जगह पानी और खाद क्यों देंगे जो खाली पड़ी है, आप नहीं दो खाद भी आपका वही है उतनों में बटेगा वो जो पहले दे रहे थे आप, क्यों, क्योंकि पैदावार तो आप ज्यादा ले रहे हैं ना तो खाद भी ज्यादा चाहिए, आप पहलवान 50 किलो का है 100 किलो का है डाइट बढ़ानी पड़ती है ना, वो डाइट अपने आप ही बढ़ जाएगी, तो ये दूरी इसलिए हम कहते हैं, और बीच में यदि आपने कोई दलहनी या कोई इंटरक्रॉप ले ली तो वो एक्स्ट्रा खाद आपको देगी, फिर उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएगी और खाद देगी। दूसरे जो अब हम बाद में दिक्कत मानते हैं कि खेत बड़ा हो गया कैसे इसमें दवाई डालें क्या डालें, इतनी जगह रहेगी आपके पास चलने फिरने की, तभी डालो जब जरूरत पड़ेगी तभी, और एक आप जानते ही हो दवाई 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 तो तब होती है जब बीमार हो जाओ, दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं सब जानते हैं, यदि दवाई हम वैसे थोड़े खाते हैं जब स्वस्थ होते हैं, जो दवाई खाएंगे नुकसान करेंगे, तो दवाई आपको केवल उस चीज की लेनी है जो बीमारी है, और फालतू की नहीं है कि कुछ भी बांध दें आपको आप ले आओ खर्चा भी बढ़ाओ, क्योंकि वो तो नुकसान करेगी भाई, जब आपकी बीमारी नहीं है आप दवाई खाओ तो नुकसान करेगी या नहीं करेगी, तो केवल दवाई बीमारी का इलाज है और नहीं तो उसके साइड इफेक्ट है।
अब बात आती है कि मिट्टी को स्वस्थ कैसे, मिट्टी को स्वस्थ डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ट्राइकोडर्मा है ये एक ऐसी जीवाणु है इसमें लाभदायक कि इनको यदि डालोगे तो ये अपने आप ही मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, अपने आप ही उसमें जीवाश्म पैदा करते हैं। तो इसको बनाने का तरीका भी बता दिया कि 2 लीटर लो, किसी चीज में मिलाओ, गोबर में, सड़ी में, और उसको छा में रखे और 8-7 दिन में उसको फिर डाल दो, ठीक है, ये जरूर डालो, कूड़ों की डिस्टेंस बढ़ाओ। अब आपके बाद एक टीम में परिवर्तन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टॉप ओरेट ज्यादा लगा हुआ है तो जो ऊपर का भाग कहते थे ना गन्ने का भोग, आपके ज्यादा ऊपर का भाग फूटा हुआ है जो टॉप ओरेट ने रोक दिया, तो उसमें आँख ही नहीं है, भोग है तो नुकसान हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ 3-5 फीट की जो बात की ना, गन्ने का बीज बोना है, गन्ना ऐसे नहीं बोना जिसमें आँख ना हो, यदि जमाव कम हो गया तो फिर 1/3 तो आपने खेत वैसे ही कम कर दिया और उसका जमाव भी प्रभावित हो गया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। जो कहते हैं ना हमने बोया था और बात नहीं हुई, बात क्या है, गन्ने का जमाव करना 70-75%, जो हमारा होता है 35-36%। तो मिट्टी को ट्राइकोडर्मा से वो करो, अपना उसमें मिला के फलेवा करो, उसके बाद चौड़ी दूरी पे वो ठीक समय पे बोने का बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक समय क्या होता है, जब टेम्परेचर जैसा आप चल रहा है, और कभी भी आप गलत टाइम पे चीज बोओगे, गेहूं बोलो जनवरी में कितने 3 महीने, गन्ना बोलो मई में कितना आपका 45 क्विंटल, मैं कह रहा हूं आधा बोलो ना, आधा बोके भी तो 40 क्विंटल का निकलेगा या 80 क्विंटल का निकल आएगा, उस बीच में और कोई फसल ले लो। हमें गन्ना, हम गन्ने की फैक्ट्री, यदि मेरी पैदावार जो 700 है 1000 हो जाए और मेरे पास, यदि ऐसा करोगे तो ये रहा टॉप ओरेट। अब हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे बड़ा आपकी बार 2 काम कर रहे हैं कि पिछले साल में पैदावार इसके ने आपको जानकारी दी पीपी साहब ने दी। मैं थोड़ा संक्षेप में बस कहना चाहता हूँ क्योंकि आप काफी देर से बैठे हुए हैं, आप जो भी गन्ना बोते हैं बिल्कुल ट्रेंच बीच से बोएं, चाहे आप अप्रैल में बोएं, अक्टूबर में बोएं, सितंबर में बोएं, महीना आपका कोई भी हो, ट्रेंच बीच से गन्ना बोएं। उसका कारण यह है कि जब गन्ने की गहराई में आप बुआई करेंगे तो एक तो गन्ना आपका गिरता नहीं है, एक दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जमीन के जो अंदर की नमी है, सब सॉयल मॉइस्चर जमीन के अंदर की जो नमी है वो गन्ने को मिलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे खड़े रहते हैं, इनकी हम रोज सिंचाई नहीं करते हैं फिर भी खड़े रहते हैं, कारण इसका ये होता है कि इनकी जड़ें गहराई में हैं। इतनी गहराई में गन्ने की जड़ें नहीं जा सकती, लेकिन इतनी गहराई में जरूर होनी चाहिए जिससे कि उनको मॉइस्चर भी मिल सके और जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो मिल सके। अभी हम क्या करते हैं, गन्ने की जो बुआई है वो केवल 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं और फिर इतनी ज़्यादा सिंचाई करते हैं कि उनकी सारी जड़ें पानी की खोज में नीचे की तरफ नहीं जाती, वो सारी की सारी जड़ें ऊपर की तरफ आ जाती हैं और उसको हम बार बार पानी लगाते हैं, जिससे क्या नुकसान होता है कि गन्ने को जो सारे बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, तत्व चाहिए, वो ज़मीन के अंदर से नहीं मिल पाते हैं। जब तक कि आप गन्ने की जो बुआई की दूरी है उसको नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका गन्ना मोटा नहीं हो सकता है, ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है, ज़्यादा वजन का नहीं हो सकता है। अभी पीपी साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि 750 ग्राम का गन्ना आप पैदा करेंगे और 200 ग्राम का 2 किलो का गन्ना पैदा करेंगे। अगर 2 किलो का गन्ना पैदा करेंगे तो आपको छिड़ाई में 1/3 मेहनत लगेगी, बीज आपका 1/3 लगभग लगेगा अगर दूरी आप बढ़ाते हैं, दूसरी फसलें उसके बीच में लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो हम एक विजन देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वो ये है कि अभी जो गन्ने की खेती मेहनत पर आधारित है, इसमें इस खेती को करने में कठिनाई काफ़ी होती है और समाज का विकास होता जा रहा है। आप आगे चल करके अगर ये चाहें कि आपको मजदूर लगातार मिलते रहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। अगर इस जो गन्ने की खेती है इसकी दूरी आप 5 फीट कर दें तो इसमें छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से आप गन्ने की गुड़ाई का काम कर सकते हैं। दूसरी फसलें अगर बोना चाहते हैं अंतः फसलें, उनकी बुआई खास तौर से अगर अक्टूबर नवंबर के महीने में, चाहे इसमें आप गोभी लगा दें, पत्ता गोभी लगा दें, गेहूँ लगा दें, सरसों लगा दें, मटर लगा दें, चना लगा दें या और भी सब्जियाँ हैं उनको आप लगा सकते हैं, तलहन की खेती कर सकते हैं, जो कुकर बेटसन की खेती कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि छोटे ट्रैक्टरों के माध्यम से आप इंटर कल्चर का ऑपरेशन कर पाएंगे और जो सह फसली खेती है उसको आप आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ में मिट्टी चढ़ाने का काम इससे कर सकते हैं और आगे चल करके अगर इस पर आप करना चाहते हैं तो ये भी काम आसानी से आपका हो जाएगा। एक मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर 1 बीघे की आप लड़ाई करते हैं मैनुअल आधार पर तो 500-600 रुपये कम से कम आपके खर्चा हो जाते हैं, लेकिन अगर इसी काम को आप छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं तो मुश्किल से 100 रुपये के डीजल में आप उसकी और बेहतर गुड़ाई कर सकते हैं। साथ में फायदा ये है कि जब आप चाहें जिस समय चाहें उस समय कर सकते हैं, आपको ये नहीं ढूंढना है कि लेबर आपको कब चाहिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है भी किसान भाइयों ने यहाँ से बताया कि गन्ने की पत्ती को हम ना जलाएं तो फिर उसका क्या करें। आपकी मजबूरी यह है कि जब तक आप 2 फीट की दूरी पर बोते हैं तो खेत में इतनी जगह भी नहीं कि गन्ने की पत्ती को आप बिछा सकें। जब तक कि आप ये दूरी नहीं बढ़ाएंगे तो गन्ने की पत्ती को आप बिछा नहीं सकते। अभी एक डिवाइस डेवलप हुई, हमारे बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर प्रयोग कर रहे होंगे, हो सकता है, जिसको हम रेटून
मैनेजर डिवाइस कहते हैं, आरएमडी बोलते हैं। आरएमडी से ये फायदा है कि आपके गन्ने की फूट की छटाई हो जाती है, दो कैविटी बगल में कैविटी मतलब फूड बन जाती है, उसमें आप खाद खासतौर से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर जो कि आप पेड़ी गन्ने में वैसे नहीं दे पाते हैं उसको उस कैविटी में उसी समय दे लेते हैं। जो 2013 में करीब 1,25,00,000 गन्ना पेटती थी और इस समय पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा उसकी पेराई लास्ट ईयर हुई, आपकी चीनी मिल हालांकि उससे बड़ी है, 2,52,00,000 गन्ना उन्होंने पेरा, यानी जितना पेटते थे उसका जस्ट दूना पेरा। और बिजनौर की जो सप्लाई थी 6,64,00,000 थी 2013 में, वो जब ये जो वैरायटी है बोरे ड्राफ्ट से और डाक बोर्डर से प्रभावित हो रही है और प्रभावित तो हो रही है क्योंकि एक ही होस्ट है, एक जैसा होस्ट है, तो जो इसके कीड़े हैं और चाहे बीमारी है रेडा वो पूरी तरीके से पनपती हुई चली जा रही है। मिले हुए प्लाट हैं, मिले हुए प्लाट हैं एक पहलू है और दूसरा पहलू है कि गन्ना काट कर गन्ना बो रहे हैं, फिर गन्ना काट कर गन्ना बो रहे हैं और एक ही वैरायटी बो रहे हैं, तो अगर वही बात कीड़ा आ गया तो लगातार उसके जीवित रहने की उसमें संभावना बनी हुई है। कुछ ऐसा अगर हम कर दें कि इसका जो साइकिल है उसको तोड़ दें, फिजिकल बैरियर लगा दें, फिजिकल बैरियर हम कैसे लगा सकते हैं, अगर हम प्रजातीय बदलाव कर दें, जो वैरायटी रेडार से प्रभावित नहीं होती हैं, जैसे 118 में थोड़ा सा कम आता है, इसी तरीके से अगर हमारी जो और वैरायटियाँ भी विशेष पास में डेवलप हुई हैं, CO 15023 है, OLAC 14201 है, ये कुछ प्रजातियाँ हैं जिसको आप लगा करके और अपने खेत को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं ताकि जो हम बीमारी लेकर के 238 के साथ चल रहे हैं इसको हम कम कर पाएँ। लेकिन इसके लिए आवश्यक है क्योंकि जो प्रजातियाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका बीज अभी कम है, इसको अगर आप लगाते हैं तो सिंगल बर्ड से लगाएं कम से कम मार्च तक आप इस काम को कर सकते हैं। फ्रेंच बीन से जैसे आप गन्ना लगाते हैं उसी तरीके से लगाएं, 15 इंच की दूरी पर बर्ड से बर्ड की दूरी रखें और जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको 4.5 फीट रखें। जहाँ पर आपका सिंचाई का बेहतर साधन हो वहाँ पर लगाएं और अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो करीब 1 बीघे में 1.25 क्विंटल 1.5 क्विंटल गन्ने के बीच में आप 1 बीघा लगा लेंगे और उससे काफ़ी गन्ने का बदलाव आने वाले समय में आप कर पाएंगे। 238 में आप ये संकल्प ले लें कि आपको इस वैरायटी को अगले 2-3 सालों में हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो जीन है वो कमजोर है, रेड रॉट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रेड रॉट का जो पैथोजन है उसने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया कि इस वैरायटी को रहने नहीं देगा, क्योंकि इसके पहले जो वैरायटी पहले भी रही है 1148 थी, 1158 थी, जो पुराने लोग जानते होंगे, ज़्यादातर वैरायटी जितने भी गन्ने का डेवलप करते हैं उसमें से 90% जो गन्ने की प्रजातियाँ हैं वो इसी बीमारी के कारण, रेड रॉट के कारण खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए आपका ध्यान मैंने आकर्षित किया कि इस वैरायटी को बदलाव करें। हमारी चीनी विधायक के पास बीज कुत्ता होगी, विभाग के पास कुत्ता होगी, वहाँ से लेकर के बीज का उपयोग करके लें, सेंटर पर लगाने से हर किसान इस संकल्प ले लें कि हमको बीज का बदलाव करना है। स्वागत करते हैं, आप लोग को बैठे, उसके बाद आपके नाश्ते का सम्मान करने में लग रहा है। बलवा